हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं थोड़ा शेयर करांगी कि किस तरह आप अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के नाल अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हैं। ओनली 10 या 20 रुपीज के अंडर आप अपने पूरे फेस का मेकअप रिमूव कर सकते हैं विद ईजी स्टैप्स। पर वीडियो स्टार्ट करने तो पहले अगर तुम मेरे चैनल पर न्यू आए हो तो चैनल में सबसक्राइब करो, नाल ही जो बैल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कर दो, जिस दिन मेरी आने वाली होर वीडियो की नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सब तो पहले मैं लवांगी एक कटोरी तो इस थोड़ा जहा बाटर एंड उस तो बाद चाहिए है कोकोनट ऑयल। सो 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल आप इस बाटर के मिक्स कर देना है। चंगी तरह कोकोनट ऑयल एंड बाटर मिक्स कर देना है एंड ये अपना तैयार हो गया है क्लिंजर फॉर मेकअप रिमूव करन दे लई। सो इस तरह ये बहुत अफोर्डेबल भी है एंड इस तरह अपने फेस में कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो उस तो बाद आप लवेंगे कॉटन एंड इसनों आप कटोरी के बाटर और कोकोनट ऑयल मिक्स किया है उस चंगी तरह डिप कर लवेंगे एंड मेकअप रिमूव करने तो पहले आप अपने ज्वेलरी वगैरह को उतार लवेंगे। सो सब तो पहले मैं अपने बिंदी रिमूव करांगी एंड जो भी ज्वेलरी पाई है नैकलैस वगैरह उतार लवेंगी। तो उस तो बाद ही आप स्किन केयर करांगे एंड जो भी एक्सट्रा है उसनों आप निचोड़ देवे इस तरह। तो उस तो बाद कॉटन के नाल आप अपने पूरे फेस का मेकअप रिमूव करना है तो इस बहुत ईजली अपना मेकअप रिमूव हो जाएगा। सब तो पहले आप अपने फेस से जो भी फाउंडेशन वगैरह लाया है उसे रिमूव करांगे। देख सकते हाँ कि हल्का जिहा ही फेरन के नाल कॉटन से जो आप फाउंडेशन अप्लाई किया सी वो आ गया है। सो ईजली ही कोकोनट ऑयल ते बटर मिक्स करके जो आप क्लिंजर बनाया है अपना मेकअप रिमूव कर देगा। सो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल के नाल आप अपने पूरे फेस का मेकअप रिमूव कर लवेंगे। अगर आप कोई महंगा मेकअप रिमूवर वरतेंगे तो वह बहुत ही कॉस्टली होगा, पर इस तरह आप अफोर्डेबल क्लिंजर बना के इस तरह अपने मेकअप को रिमूव कर सकते हाँ जो बहुत ही ईजी है। इस तरह अप्लाई करना सो बार बार आप अपनी कॉटन डिप करके इस तरह अपने फेस का मेकअप रिमूव करांगे। अगर अपनी कॉटन गंदी हो गई है तो आप न्यू ले लवेंगे तो उसनों फिर उस तरह पानी में डिप करांगे तो एक्स्ट्रा निचोड़ के आप अपने फेस से अप्लाई करांगे। तो हुण अपना आई मेकअप रिमूव करांगे। सो आई मेकअप भी इस तरह बहुत ईजली रिमूव हो जाता है। सो अपनी आई ते आपां कोई भी काजल एंड मस्कारा जो अप्लाई किया है वो कितना भी डर क्यों ना होवे ईजली रिमूव हो जाएगा तो आई शेडो भी अपना ईजली रिमूव हो जाएगा। सो इस कोकोनट ऑयल के नाल डार्क तो डार्क काजल भी रिमूव हो जाएगा। सो बहुत ईजी है इस तरह मेकअप रिमूव करना। आई मेकअप रिमूव करने तो बाद आप अपनी लिपस्टिक रिमूव करेंगे। तुम देख सकते हो जो मैं लिपस्टिक अप्लाई की है फिंगर पर नहीं आ रही। सो ये लिक्विड लिपस्टिक है एंड वाटर प्रूफ है, स्मच प्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग स्टे है। सो लंबे समय तक टिकी रहती है। सो इसमें ईजली रिमूव नहीं कर सकते आप, पर कोकोनट ऑयल में इस तरह वाटर में मिक्स करके ईजली रिमूव हो जाएगी। तो देख सकते हो कि हल्का जहा कॉटन फिर कोकोनट ऑयल में जो डिप सी कर देती है। सो लिपस्टिक अपनी किन्नी भी डार्क एंड लोंग लास्टिंग होगी वो इस कोकोनट ऑयल के रिमूव हो जाएगी। सो कोई भी आप जो भी अपनी लिपस्टिक है इस तरह रिमूव कर सकते हैं इस दे नाल ते बिल्कुल अच्छी तरह रिमूव हो जाएगी। देख सकते हो अपने लिप्स तो बिल्कुल रिमूव हो गई है एंड जो आप लगे कि अपना पूरा फेस का मेकअप रिमूव हो गया तो आप एक साफ कॉटन लैके इस तरह ही डिप करके कोकोनट ऑयल के एंड बटर के पूरे फेस से आप अप्लाई कर लवेंगे तो अपने पूरे फेस में इस तरह क्लीन कर लवेंगे एंड उस तो बाद मैं लवेंगी हिमालया फेस वॉश। सो ये हिमालया नीम फेस वॉश है जो कि 100 या 20 रुपीज के अंडर आपको मिल जाएगा। तो इस हम आप अपने फेस में वॉश करांगे। इस आप डायरेक्टली अपने फेस में वॉश नहीं करना, सो कुछ ईजी स्टैप्स हैं जो आप फॉलो करने हैं तो जिस ना अपने फेस में जो भी अपने दिन भर की डस्ट होगी वो बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। अपने हैंड से थोड़ा जो बटर लैके आप पूरे फेस से इस फेस वॉश में इस तरह अप्लाई कर लवेंगे तो फोरहेड तो लैके आप अपने पूरे फेस के पार्ट से हल्की हल्की मसाज करांगे जिस दे नाल ईजली जो डस्ट है अपने फेस में रिमूव हो जाएगी। अपनी आई के नीचे नोज के अराउंड एंड लिप्स के अराउंड तो इस तरह हल्की हल्की तो 2 से 3 मिनट इस तरह आप स्टैप करांगे। इस तरह की होगा कि जो अपना मेकअप रह गया है वह भी ईजली रिमूव हो जाएगा एंड जो अपने दिन भर की डस्टी स्किन है वह भी एकदम रिमूव होकर फ्रैश स्किन मिलेगी आपां। सो आप इस तरह 2 से 3 मिनट सारे स्टैप फॉलो करने हैं। इस तो बाद अपने फेस में वॉश कर लेना है तो साफ कपड़े ना चंगी तरह आप अपने फेस में इस तरह पूंझ लेना है तो उस तो बाद ही आप नैक्सट स्टैप फॉलो करांगे।
सो फेस वॉश तो बाद अगला स्टैप आता है टोनिंग का। टोनिंग लिए मैं इतने रोज़ वाटर ही लै रही हाँ, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको 15 या 20 रुपए के अंडर ही मिल जाएगा। सो आप टोनिंग लिए कोई भी टोनर भी अपलाई कर सकते हैं, पर अफोर्डेबल के मैं ये रोज़ वाटर ही लै रहे हाँ, जो कि अपनी स्किन फ्रैश भी रखेगा। सो कॉटन से रोज़ वाटर लै लवेंगे। अगर आप अपने हैंड से लैके अपलाई करना चाहते हैं तो उस तरह भी आप प्रेस करके अपलाई कर लवेंगे अपने हैंड के ना, पर मैं इतने कॉटन से ही लैके अपने पूरे फेस से इस अपलाई कर लवेंगी। पहला इस तरह आप पूरे फेस से अपलाई कर लवेंगे हल्का हल्का। फेस वॉश करने बाद जो अपनी स्किन है थोड़ी हार्श हो जाती है, सो रोज़ वाटर के नाल स्किन एक तरह की फ्रैशनेस मिलेगी। दिन भर की डस्ट रिमूव करने तो बाद अपनी स्किन जो रोज़ वाटर एकदम रिलैक्स बना देगा, सो अपनी स्किन बहुत ही ग्लोइंग बन जाएगी। सो इस तरह आप नाइट टाइम भी रोज़ वाटर अपने फेस से अपलाई कर सकते हाँ, एंड सुबह नो जो अपना फेस है अपन बहुत ही फ्रैश अते ग्लोइंग मिलेगा। सो रोज़ वाटर बहुत ईजीली ही अपलाई कर सकते हैं आप, एंड बहुत अफोर्डेबल है। सो पूरे फेस से इस तरह चंगी तरह अपलाई करने तो बाद मैं कॉटन के नाल ही इस तरह इसनों अपना अपने पूरे फेस तो इस तरह थोड़ा रिमूव कर देना है, जिस दिन थोड़ा ये ड्राई हो जाएगा। एंड अपलाई करने तो बाद आप अपने हैंड के नाल इस तरह प्रेस कर लवेंगे, जिस नाल की होगा जो अपने ओपन पोर्स सानू मिनीमाइज हो जाएंगे। सो इस तरह आपां अपने हैंड दे नाल पूरे फेस नू प्रेस करना है। एंड टोनिंग तो बाद नैक्सट स्टैप है मॉइस्चराइजर का। मॉइस्चराइजर लिए मैं फ्रूट क्रीम ही लै रही हाँ, सो स्किन नू मॉइस्चराइजर करना ही बहुत जरूरी है। सो ये फ्रूट क्रीम भी बहुत अफोर्डेबल है। एंड क्रीम चंगी तरह पूरे फेस से अपलाई कर लेना है, तो इसनों अपने फेस में चंगी तरह रचा लेना है। सो आपां 1 या 2 मिनट तक अपने मसाज स्टैप करांगे, जिस दे नाल जो अपनी क्रीम है वह भी अपने फेस में रच जाएगी, एंड अपनी स्किन में एक तरह की मसाज भी मिल जाएगी। सो जिस तरह आप अपने फेशियल स्टैप करते हाँ, थोड़े उस तरह ही स्टैप करांगे अपने आई के नीचे तो नोज़ के राउंड एंड पूरे फेस से। इस दे नाल अगर अपनी स्किन ढिली भी पै गई है तो इस मसाज के नाल वो बिल्कुल टाइट हो जाएगी। सो ये मसाज भी अपनी जो स्किन है उसनों ब्राइट बनाने में बहुत हैल्पफुल होगी। स्किन केयर तो बाद तुसीं देख सकते हो कि अपने फेस एक तरह का ग्लो है, एंड अपने पूरे फेस की डस्ट रिमूव हो गई है, एंड बिल्कुल फ्रैश स्किन लग रही है अपनी। सो फेस के स्किन केयर तो अलावा आपां नूं अपने लिप्स की भी स्किन केयर करनी जरूरी है, उसके लिए भी आप अपने लिप्स से कुछ भी अपलाई कर सकते हैं। उसके लिए मैं ले रही हाँ वैसलीन, एंड वैसलीन बहुत ही अफोर्डेबल है, आपको 500 रुपीज़ के अंडर मिल जाएगी। सो अपने पूरे फेस की जो स्किन केयर है आप 100 रुपीज़ या 20 रुपीज़ के अंडर कर ली है। सो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल में सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।